हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 15 टेंसेस। बेटा, आज फिर से हम अपने चैप्टर 15 टेंसेस पर आते हैं। आप सबको पता ही है हम लोग चैप्टर 15 टेंसेस का कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस अपना कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, आज हम कर रहे हैं अपना पास्ट टेंस, जिसका कल हमने स्टार्ट किया था अपना पास्ट टेंस। पास्ट मींस भूतकाल। ठीक है बेटा, पास्ट टेंस भूतकाल होता है, बीता हुआ समय में जो काम किया गया हो। ठीक है, पास्ट टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी पास्ट इनडेफिनेट टेंस की, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। बेटा, जिन वाक्यों के अंत में या, ही, ये, था, थी, थे, ई, ए, आ आता हो, वो होते हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बेटा? आइडेंटिफिकेशन मींस पहचान। इनकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में या, ही, ये, था, थी, थे, आ, ई, ए आता हो, वो होते हैं हमारे पास्ट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है बेटा, इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कर चुके हैं। सकारात्मक वाक्य मीन जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता, वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, यस, इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस पर। पास्ट इनडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक मीन्स नहीं वाले। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वो होते हैं नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नॉट वाले। ठीक है बेटा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले वर्ब हो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। देखिए बेटा, प्रेजेंट इनडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस में हमने डू और डस का यूज किया था हेल्पिंग वर्ब में। इसमें पास्ट इनडेफिनेट का नेगेटिव में हम सब हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं, क्योंकि डू डस का पास्ट टेंस डिड होती है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड प्लस नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ओके बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड फॉर्म हम डिड हेल्पिंग वर्ब की यूज कर रहे हैं। ओके, यस, और इसमें और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, ओनली डिड लगेगा सबके साथ, कोई भी हो, ही, शी, इट, एनी, नेम, प्लूरल, सिंगुलर या कोई भी, यू, वी, दे, एक्सेट्रा। ओके, यस, एग्जांपल देखिए बेटा, उसने खाना नहीं खाया। ठीक है, या आ गया ना, देखो है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट मींस उसने, कोई भी है। अब यहां पर हम आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा रहा हमें ये कि ही है या शी है या कोई है, तो हम ही लगा देंगे, या शी लगा देंगे, जो आप लगाओ वो सही होगा, ही। ठीक है, उसके बाद डिड आ जाएगा, डिड, उसके बाद नॉट, ही डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की क्रिया ईट,
ऑब्जेक्ट क्या है? खाना नहीं खाया, फूड, ही डिड नॉट ईट फूड, ठीक है, उसने खाना नहीं खाया। नेक्स्ट देखिए एक और, मैंने झूठ नहीं बोला। देखो आपकी बड़ा आ गया ना, ये वाला है ना, ये मात्रा किसकी होती है? बड़े आपकी, वही आ गया है ना, और नहीं आ रहा है तो अब इसी का स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट मैंने मींस आई, फिर डिड का यूज करेंगे, आई डिड, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलने की क्रिया स्पीक होती है, लेकिन झूठ बोलने को हम क्या बोलते हैं? टेलिंग, टेल अ लाई, है ना, यही बोलते हैं, मैंने बताया था ना, तो क्या आएगा? आई डिड नॉट टेल लाई। ठीक है, फुल स्टॉप, आई डिड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, समझ आया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको पता होनी चाहिए बेटा, जिन वाक्यों के अंत में या, री, ये, था, थी, थे, आ, ई, ए आता है, वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं लिखा आ गया, सिंपल पास्ट टेंस आ गया, तो वही होता है। ठीक है, उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसको आपको अच्छे से समझकर, स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ के, दोबारा से जो आपको असाइनमेंट में सेंटेंसेस दिए हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को, वो आपको करने हैं। ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू बेटा।